आप सुन रहे हैं My Icons Only on My FM जियो दिल से। शहर का नंबर वन रेडियो स्टेशन माई एफएम सुन रहे हैं आप, और आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में मिस्टर अय्यप्पन स्वामी, मार्केटिंग हेड मोंगिनीस केक। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपने हमें आमंत्रित किया। जी, अपने बारे में कुछ बताइए सर। मोंगिनीस मैं 2012 में ये कंपनी मैंने ज्वाइन किया, और अभी तक का मेरा सबसे बेहतरीन सफर रहा है, बिकॉज बाकी सब जगहों पर हम तो सिर्फ प्रोडक्ट मार्केट करते हैं, ये ऐसी कंपनी है जहाँ पे हम मार्केटिंग के साथ में हम खुशियाँ भी बांटते हैं, और हर एक के परिवार में, घरों में सेलिब्रेशन का एक माहौल पैदा करते हैं, तो उससे दुगनी खुशी मिलती है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये कंपनी में, अभी 5 साल मुझे हो रहे हैं कंपनी में, एंड आई एम वेरी फीलिंग गुड एंड एक्साइटेड अबाउट इट, एंड आई फील कि आई जस्ट बिगन माय जर्नी इन दिस कंपनी। सर ऐसी क्या चीज़ है जिसने आपको कनेक्ट किया इस कंपनी से और जिससे लोग कनेक्ट करते हैं इस ब्रांड से? हमारी जो फ्रेंचाइजी नेटवर्क है वो बाकी सब कंपनियों के एक बिजनेस रिलेशन में होती है, हमारी जो फ्रेंचाइजी नेटवर्क है एक फैमिली जैसी होती है। तो आप देखेंगे जो भी हमारी फ्रेंचाइजीज अक्रॉस इंडिया, एक एक फ्रेंचाइजीज 30-30, 40-40 साल से कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं। तो ये जब मैंने देखा तो ये मुझे बहुत ही आश्चर्यजनक लगा कि ये ऐसा कभी होता नहीं है। आप कोई भी दूसरी कंपनी में ले लो, आप फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी ले लो, डिस्ट्रीब्यूटर आज है कल चेंज हो जाते हैं, आज सप्लायर है कल चेंज हो जाते हैं, ये कंपनियों में 30-30 साल से एक ही फ्रेंचाइजी है जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो एक परिवार का माहौल पैदा करते हैं। तो ये मुझे बहुत ही बढ़िया लगे ये कंपनी में, जहाँ पे लोग बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, तो कुछ तो अच्छी बात होगी कंपनी में, इसलिए लोग जुड़े हुए हैं इतने समय से। सर एज ए ब्रांड क्या क्या चैलेंजेस आते हैं आपके पास और आप उन्हें कैसे टैकल करते हैं? देखिए अभी क्या हुआ है कि कुछ 2-3 सालों में इस कैटेगरी का बहुत ही एक्सप्लोसिव ग्रोथ है, कि कंपटीशन तो हर एक कैटेगरी में होता है, बट ये कैटेगरी में जो न्यू प्लेयर्स जो आए हुए हैं, आप यकीन नहीं करोगे कि पिछले 2 साल में 3 गुने से ज़्यादा कॉम्पिटिटर आ गया है। हर मोंगिनीस शॉप के साथ में 5 अलग नए कॉम्पिटिटर हैं, पहले एक हुआ करता था, अभी 5 शॉप हैं। तो क्या इतने सारे कॉम्पिटिटर आने से हमें कोई दिक्कत हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। हुआ क्या है कि ये नए कॉम्पिटिटर आने से हमारा जो मार्केट है, केक कैटेगरी का जो मार्केट है, ये एक्सप्लोड हो गया है। पहले अगर मान लीजिए 100 में से 20 लोग केक का खपत करते थे, और 100 में से 40 लोग 50 लोग खपत कर रहे हैं, तो मार्केट हैज़ एक्सपैंडेड, एंड व्हेन द मार्केट एक्सपैंड्स द नेचुरल बेनिफिशियरी वुड बी द मार्केट लीडर। Of course, along with this, when the new competitors are coming in, you need to revamp your product portfolio, you need to revamp your distribution, you need to give the marketing punch to your customers, only then people will flock to you. So you need to be relevant to your consumers. So वो भी हमने साथ ही साथ में किया हुआ है, एंड बहुत ही अच्छा रहा है। चैलेंजेस हैं, बट डेफिनेटली हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से वी आर एबल टू मेंटेन अवर लीडरशिप पोजीशन। सर मेट्रो सिटीज में बहुत ही ज्यादा फेमस है ये ब्रांड, जिसको देखो मोंगिनीस की केक्स की बात करता है किसी भी फेस्टिव सीजन में, लेकिन इंटीरियर में पहुंचने के लिए आपके पास क्या प्लान्स हैं और क्या आपकी स्ट्रेटजीज हैं आगे के लिए? देखिए अभी क्या हो रहा है कि डिजिटल मीडियम इज एक्सप्लोडेड नाउ। अभी टीवी एंड डिश टीवी, दिस आर ऑल बिकम इररिलेवेंट, बिकॉज टीवी आपके मोबाइल में आ गया है। तो जो मेट्रो का जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड वही आप Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में वही ट्रेंड आप देखेंगे। तो इसको अगर मैं केक से जोड़ता हूँ, तो जो यहाँ पे मेट्रो सिटीज़ में केक कट करने का सेलिब्रेशन की प्रथा है, वही प्रथा छोटे शहरों में भी बहुत ही प्रचलित होती जा रही है। और अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ केक्स जो वहाँ के लोकल प्लेयर्स देते हैं, वो बहुत ही, मतलब मैं नहीं कहूँगा कि मतलब ख़राब नहीं बोलूँगा, बट आप खुद ही अगर टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कि मोंगिनीस का टेस्ट और क्वालिटी क्या है, उनका क्या है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है अभी, और इंडिया में अभी भी मतलब ऑलमोस्ट 90% ऑफ द मार्केट इज स्टिल नॉट सर्व, सो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। और हम बहुत सारे छोटे शहरों में, हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला हुआ है। हाल फिलहाल में हमने औरंगाबाद स्टार्ट किया हुआ है, कोल्हापुर स्टार्ट किया हुआ है, इन सब शहरों में बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। अभी भुवनेश्वर हमारा अगले महीने लॉन्च है, हमारा नया सिटी लॉन्च हो रहा है, प्लस बहुत जल्द हम दिल्ली जैसे बड़े मार्केट में भी आने वाले हैं। तो एक्सपेंशन बहुत ही एग्रेसिव मोड में हम कर रहे हैं, और जो सबसे हमें देखा हुआ पास का रिस्पॉन्स भी हमें बहुत ही अच्छा मिला है। सर अब हमें बताएं आप कि बहुत सारी बेकरीज हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं केक्स के, उन सब के बीच में मोंगिनीस कैसे खुद को स्टैंड आउट करता है और मोंगिनीस की यूएसपी क्या है? देखिए केक का क्या है, दो एस्पेक्ट है। एक तो कि टेस्ट, जिसके मैंने आपको बताया कि हम फ्रेश क्रीम यूज करते हैं और रियल चॉकलेट यूज करते हैं। अब इसी के साथ में चूंकि ये सेलिब्रेशन है, तो बर्थडे में आपका डिजाइन भी उतना अट्रैक्टिव होना चाहिए। अगर आपका डिजाइन अट्रैक्टिव नहीं है तो टेस्ट से क्या करोगे? एक तो खपत के लिए होता है, बट खपत के साथ में सेलिब्रेशन भी है। सेलिब्रेशन में पार्टी में 100 लोग आते हैं तो 100 लोग देखते हैं, तो उस एलिमेंट को भी हमने नज़र रखते हुए हमारे डिज़ाइन काफ़ी इंप्रूव किया हुआ है। अभी हाल फिलहाल में हमने हमारा 1/2 kg के एक डिज़ाइनर केक हमने लॉन्च किया है इन 500 रुपीज़। बहुत ही बढ़िया केक है, जिसका फिनिश और लुक देखोगे तो ऐसे लगेगा कि ये केक मतलब किसी के पास नहीं मार्केट में।
उस पहलू में भी हमने बहुत वर्क किया हुआ है, और साथ ही साथ टेस्ट तो हमारा नंबर वन था ही, बट हमारे फिनिश में जो हम कुछ साल पहले लैक कर रहे थे उसको भी हमने इम्प्रूव करके आज बहुत ही फिनिश और टेस्ट दोनों हमारा साथ साथ चल रहा है। सर, आपके फेवरेट मोंजिनिस केक्स कौन से हैं? देखिए बद्रे की, मुझे तो मेरे सब सारे केक्स अच्छे लगते हैं, बट ऐसे कोई पर्टिकुलर नहीं मैं बोल सकता, बट ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा मेरे दर्शकों को जो सुन रहे हैं आपके चैनल के जरिए, माई एफएम के जरिए, कि मोंजिनिस ही एक ऐसा कंपनी है इंडिया में जो रियल फ्रेश क्रीम यूज़ करता है और चॉकलेट में रियल चॉकलेट यूज़ करता है। मिस्टर स्वामी से बातें होती रहेंगी, सुनते रहिए 94.3 माई एफएम, जियो दिल से। आप सुन रहे हैं माई आइकॉन्स ओनली ऑन माई एफएम, जियो दिल से।